एक आदमी पूछा कि काहे घूमते फिरते हैं, कहकर चुप रहो बहुत खतरा छे। किसी तरह से 2 महीना हम बिता लें, कहकर उसके बाद कहकर तब 3 बार तेल लगेगा हमको। अभी नौकरी के लोभ में बाप की हत्या बेटा कर रहा था, आ कहा कि नौकरी में अगर नहीं मारे गए तब, कहा तब 3 बार तेल लगेगा, तब बेटा चाहेगा कि बाबूजी जवान हो जाए, जितनी लंबी इनकी जिंदगी होगी उतना लंबा दिन तक पेंशन हमको मिलता रहेगा, तो 3 बार जलपान मिलेगा, 3 बार में तेल लगेगा। जो काम होता है लोभ के लिए, नौकरी के लोभ से प्राण ले रहा था और पेंशन के लोभ से सेवा कर रहा है, चारों तरफ लोभ लोभ का साम्राज्य लगा हुआ। तुलसी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नरक करे न दूसरी बात, आ कौड़ी कारण लोभ बस करही विप्र गुरु घात, लोभा पापस्य कारणम। लोभ आदमी के दिमाग को इतना उभड़ खाभर बना देता है, उसका मानस भवन इतना प्रदूषित हो जाता है, उसका सोचना बोलना एक एक काम कभी भी हितकर और वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। मानव मस्तिष्क प्रदूषित है लोभ के चलते, काम के चलते, कामोत्तेजना। भगवान कृष्ण ने इसलिए गीता में कहा कि अर्जुन शकनौती है वजह सुरहुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सज उक्त स सुखी नरः त्रिविधं नरकस्य दंग द्वारंग नाश मनात्मनः कामः क्रोधस्त तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान कृष्ण गीता में कहा कि अर्जुन इस विनाशी शरीर में अविनाशी चेतन को बांधने वाला कौन है? इस विनाशी शरीर में जो अविनाशी चेतन तत्व बैठा हुआ है इसको बंधन में डालने वाला कौन है? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार हैं। कहा कौन? कहा कामः ऐन्द्रिक लंपटता, लोभः द्रव्यातुरता और क्रोध प्रतिशोध का भाव। ये काम लोभ और क्रोध आदमी के मस्तिष्क को बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। आज मानव मस्तिष्क प्रदूषित है, इसलिए बुनियादी सुधार सदगुरु कबीर देव चाहते हैं। आइए जहां से मैंने अपनी बात शुरू की, फिर पॉइंट छूट जाएगा वो। आज हम देख रहे हैं कि धरती ठीक नहीं है। धरती को क्या हो गया? हवा अपनी जगह पर ठीक है, पानी ठीक है, नक्षत्र सब ठीक हैं, आदमी केवल गड़बड़ हो गया है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जानवरों अपनी जगह पर ठीक है, पक्षीगण भी ठीक हैं, आदमी केवल विकृत होता चला जा रहा है। उसी की दवा देने के लिए सब मंच लग रहे हैं जहां तक आदमी भर ठीक हो जाए केवल। आदमी ठीक होने की योजना बनाइए। आदमी ठीक कैसे होगा? वही कबीरदेव की जिम्मेदारी का एक सूत्र है कि बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। माताओं थोड़ा सा ध्यान दो, आप लोगों पर जिम्मेदारी जा रही है। माता पिता से हमारे जीवन का उपक्रम होता है। एकदम बुनियादी सुधार देखिए, बहुत बोले हम लोग, महात्मा बुद्ध बोलते बोलते पछाड़ खा गए। महात्मा जो 24 वर्ष पहले क्रांति की, उससे विभत्स रूप है संसार का भी कि नहीं? राम आए राम, रामावतार काल में, कच्छपावतार काल में, बराहावतार काल में, अछुआ मछुआ मछली, जितने अवतार आपके आए और इतिहास पढ़ने वाले हो तो 2400 अवतार के कार्यकाल में जो विभत्स रूप था संसार का, उससे आज विशेष विभत्स है। राम के काल में नरमूर व्यापार था जी, कहीं एक जगह सुने हो रामचरितमानस में, वाल्मीकि में नरमूर व्यापार चलता होगा, किडनी व्यापार चलता होगा राम काल में, कृष्ण काल में किडनी का व्यापार, नेत्र का व्यापार, नरमूर व्यापार, एक जगह भी घटना नहीं है। आज तो इतनी स्थिति भी बिगड़ी है कि नरमूर व्यापार चल रहा है। एक गड्ढा से एक दिन 95 नरमूर को निकाला लोगों ने। हमने कहा यह सब क्या हो रहा है? जैसे आज हीरो हुंडा पकड़ाता है नहर पर,
तुरंत किसी गैरेज में जाता है, उसके सारे पार्ट पुर्जे अलग अलग हो जाते हैं, इंजन चला जाता है दूसरे घर में जनरेटर हो करके, कोई सकल सूरत नहीं रह गई हीरो होंडा की, वही दशा आज आदमी की है। कहीं एकांत में छोटे छोटे बच्चे पकड़ा गए, देखते देखते उसकी आँख कहीं अलग बन जाती है, किडनी कहीं अलग बन जाती है। ऐसी कोई एक घटना राम काल में, कृष्ण काल में, कोई अवतार काल में समाज का ऐसा विभत्स रूप नहीं था। अगर ये हीनता समाज में आती है तब राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो आज तो एक राम से उबरने वाला नहीं है, एक एक दर्जन राम और एक एक दर्जन कृष्ण एक ही बार आवे तो भी फतह पाने वाले नहीं है। लेकिन राम कृष्ण आ भी नहीं सकते हैं, जानते हैं कि नहीं? का है राम कृष्ण भी घबरा गया बेचारा, का अपनी शपथ को वापिस लेते हैं, दाही धर्म से ग्लानी भक्ति भारत, हम वापिस लिया इस शर्त को। कहा का है? कहा कि बिहार में कहीं हम जाएं तो डर इस बात का है कि हमारा भी कहीं अपहरण न हो जाए, नहीं आएगा राम बेचारा कृष्ण घबरा गया। वो भी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है देश के ऊपर। कबीरदेव ने कहा कि हमारे जीवन का उपक्रम माता पिता से होता है, अगर माता पिता का जीवन सही हो जाए, लीजिए जिम्मेदारी सब लोग, माता पिता से हमारे जीवन का उपक्रम होता है, सामाजिक परिवेश शैक्षणिक परिवेश से गुजरता हुआ अध्यात्म परिवेश में जाकर के हमारा जीवन पूर्ण विकसित होता है, विकास की नींव पड़ जाती है माता पिता के साहचर्य में। आज यहाँ से यात्रा करने की आवश्यकता है, सबसे पहले माता पिता सही हो जाएं। माँ के लिए हमारे शास्त्रों में आया है, पिता के लिए नहीं आया है। माता निर्माता भवति, किसी विचारक ने कहा कि द्वारं किमेकम नरकस्य नारी, नरक का एकमात्र द्वार क्या है तो नारी। परिष्कृत विचार का एक ऋषि आया तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कहो, माता निर्माता भवति, माता समाज की निर्मात्री शक्ति है। अगर माँ का जीवन पवित्र हो जाए, पिता का जीवन पवित्र हो जाए, लेकिन सब अप्रशिक्षित हैं। देखा जापान में ट्रेंड कर्मचारी होगा वो सिरिंज बनाने वाली कारखाना में, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है संतति पैदा करना, सब माता पिता एकदम अनट्रेंड है, गैर लाइसेंस धारी। आज देश की क्या स्थिति हो जा रही है, सभी गैर लाइसेंस धारी है, बिगड़ते हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं। बहुत उदाहरण देने की जरूरत नहीं, एक दिन एक बाप था, आ छोटा बच्चा गोद में लेकर के पूछ रहा है क्या है? अब देखो लाइसेंस धारी बाप है, गैर लाइसेंस धारी है, बेटा को गोद में लेकर ही कहता है रे नुनु बियाह करब, हमके तोरा बाप बने के लाइसेंस मिलना कते से, तोरा बाप बनना चाहिए तोरा ऐसे ढहले आदमी को। या बोध बच्चा के दिमाग में घुसिया रहा है, तो टीवी सिनेमा के जमाना में मोबाइल के जमाना में लड़का सब ऐसे ब्याह करने के लिए उधिया रहा है, अब बचपन से ही उसके दिमाग में ठूस रहा है कि रे बेटा ब्याह करब, मजेदार बात कील व तिलक में मारुति, हमके पढ़ाओ गायत्री मंत्र, आप संस्कार बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका कारण तो आप लोग हो। आपका सोच चरित्र ठीक हो जाए, आपकी सोच ठीक हो जाए, आपकी भाषा शैली ठीक हो जाए, हम बिगड़ते हैं दूसरे को बिगाड़ते हैं। आप देखा है बुद्ध की जयंती को, आज पढ़े लिखे लोग हैं उनको होश हवास नहीं है कुछ कि हम कर क्या रहे हैं। बुद्ध जयंती मनाते हैं, राम जयंती, कृष्ण जयंती, इतिहास के अतीत के तमाम महापुरुषों का हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन गौर करके देखना भाइयों, किसी ही महापुरुष के बर्थडे पर केक काटने का विधान है कि हम तो कहीं नहीं देखे किसी को आज तक। तुम कहाँ से पिंगल पढ़ करके चले आए हो, किस पाश्चात्य सभ्यता की कालिमा में जी रहे हो? हमारे ऐतिहासिक किसी महापुरुष के बर्थडे में जन्मदिन पर केक काटने का विधान नहीं। आजकल हम बच्चों का संस्कार बिगाड़ते हैं, कई जगह देखने को मिला, मैंने रोका, हमको धंधा बंद करो, ये
अब अबोध बच्चा है, उसके सामने केक रख दिया है।